मन्नत के लिए जन चादर डाल देते हैं अगर आपकी कोई। तो है ये मोमना मम्मा पप्पा पापा और ये माशा। एंड नाउ गाइस हम मुझे जो है ना अपने पीर मुर्शिद के पास। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो जैसा कि आप जानते हैं लाहौरी व्लॉग करते हैं। एंड शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 6 घंटे की ड्राइव के बाद हम 12 बजे निकले थे और मेरे ख्याल से 6 बजे 5-6 घंटे के बाद जो हम ये अपने पीर मुर्शिद के पास आ चुके हैं। और ये आपको मैं ना एक बैठ ये दरबार है माशाल्लाह 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 से। और मैं आएगा आपको दरबार का व्यू करूँ। वो ये एंट्रेंस है, ये वजू खाना है और ये ख़जाना है, इसका मुझे नाम नहीं याद। यहाँ पे लोग जो अपनी मिन्नत के पैसे फेंकते हैं। और वो मस्जिद है, ये सारा इसका सेहन है। और ये माशाल्लाह से वो दरबार शरीफ का व्यू, तो माशाल्लाह बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये आपको दिखाते हैं कि ये जो है ना यहाँ पे लोग अपने जो पैसे हैं ना। ये जी यहाँ पे पैसे डालते अपने मन्नत के। और ये जी यहाँ पे वो दरबार शरीफ। और यहाँ से वो एंट्रेंस मस्जिद दरबार शरीफ। और यहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे, एक है असूल यहाँ पे आने से पहले ना माँ बाप माई बाप जिनके दरबार का नाम है माँ बाप, इनके वालदेन के दरबार है, वो है यहाँ से 1-1.5 घंटे के पीछे, उस पर लाजमी आना चाहिए पहले तो यहाँ की हाज़िरी कबूल होती है। और ये जी ये मतलब कि यहाँ का भी एक असूल है कि यहाँ पे जब तक आप 7 फेरे ना लो तो लाजमी लेने चाहिए 7 फेरे, फिर जाके कबूल होती है। और ये अब कमेंट्स में आके कोई जो है ना अपनी तरफ से आलिम बनने की कोशिश ना कर जाए कि आप लोग शिर्क कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। सबसे पहली बात है ये सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए, आप छत के ऊपर ट्रैक्स तो चढ़ नहीं जाओगे, आपको आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाई स्टेप चढ़ोगे, ठीक है। और इनको हम वकालत के तौर पे कहते हैं कि आप हमारी अल्लाह ताला से वकालत करो, आप जैसे जज के सामने पेश होते हो, जज के सामने आके कहते हो कि हमारी ये बात है, वो आपके वकील जो है वही आपके जज तक पहुंचाते हैं, ना कि आप डायरेक्ट जज को कहते जज साहब साड़ी यह गल मंजूर करो ना, ये गलत होता है। तो ये तरीका कार नहीं होता, अब कोई भी आके ना आलिम ना बन जाए जिसको मैंने, ठीक है। मैंने आपको काफ़ी अच्छी मिसाल दे दी, अल्लाह ने अल्लाह ताला यह गल कबूल कर, अल्लाह ताला के पास भी कोई जाने का तरीका है, कोई सलीका है, ठीक है। और ये अब यहाँ का जो है दरवाज़ा जो है वो बंद कर दिया है। ये मेरे ख्याल से जवाल के टाइम में पता नहीं मेरी मुझे समझ नहीं आ रही क्या, मतलब कि याद नहीं आ रहा सीधी बात। ये सारा जिससे है ना, और सर्दियों में यहाँ पे बहुत इंतजाम होता है, ये वहाँ पे जो है वो होता है, ये जो सारा होता है ना यहाँ पे वहाँ बारिश से बचने के लिए जो ऊपर लगे हुए हैं ये सारे खुल जाते हैं, पूरे सहन में फैल जाते हैं उधर सारे बारिश से बचने के लिए उधर चले जाते हैं, ठीक है। और ये जो है ये सारी मेरे जो है मेरे नहीं ये कूलर्स हैं, हाँ एयर कूलर्स हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी यहाँ पे जब आने के बाद ना काफ़ी जो है ना दिल को राहत महसूस होती है। और ये काफ़ी हद तक बन चुका है, पहले बन रहा था तामीर हो रहा था और अभी काफ़ी हद तक तामीर हो चुका है। ये भी एक एग्ज़िट गेट है। और यहाँ पे बहुत 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 ही ज़्यादा जो है ना रश होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको पाँव रखने के लिए जगह नहीं मिलती। ये यहाँ पे जो है ना ये देखें ये अंदर भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। काली कमजी वाले तुझे अल्लाह को सलाम मोहब्बत मुस्तफ़ा जाने रहमत। ये देखें ये भी अभी बन रहा है ना, ये बना नहीं हुआ, ये बन रहा है यहाँ पे जो है ना, ये भी मस्जिद ही है यहाँ पे। ये देखें काफ़ी माशाल्लाह से जो अच्छा निज़ाम है। और यहाँ पे जो है ना सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए क्या करते हैं, ये जो है यहाँ पे बिछ जाएगा, ठीक है, ये खुल जाते हैं। और यहाँ पे जो है वहाँ पे भी पर्दे लग जाते हैं, यहाँ पे वो बिस्तरें देते हैं, कंबल देते हैं, साथ कंबल के नीचे डालने के लिए वो एक दरी सी वो क्या उसको कहते हैं यार गद्दा, हाँ गद्दा गद्दा देते हैं और सराहना भी दे देते हैं, लेकिन बशर्त यह है कि आपको अपना आईडी कार्ड जो है ना वहाँ पर जमा करवाना पड़ता है। तो आईडी कार्ड आप लोग वहाँ पे जमा करवा दें अपना शिनाख्ती कार्ड, तो फिर वो आपको जो है आपको बिस्तरा भी दे देते हैं। और ये
वज़ू खाना, ये भी उनके कोई पढ़ के आपको बताते हैं। साहबजादा मोहम्मद हबीब सुल्तान अहलिया मुत्तर, और साहबजादा तो नहीं लिखा मैंने, वो नीचे लिखा हुआ। हाँ सर, सॉरी, मंजूर मोहम्मद अहलिया मुत्तर साहब सुल्तान के। और वो देखें, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि यहाँ पे गद्दा वगैरह देते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये सारा जी वज़ू खाना। और ये जो है कूलर लगे हुए यहाँ पे, और बहुत, जिसे कहते हैं ना, बहुत बहुत ठंडा पानी होता है यहाँ पर, बहुत ही ठंडा। कि जो गर्मी से आता है ना बंदा, जितनी गर्मी है आजकल, जितनी गर्मी है ना, उतना ही ठंडा पानी है। और ये पिछले पहले आए थे, लास्ट टाइम ये तामीर हो रहा था, सर्दियों में आए थे, जब आए थे मेरे, हाँ सर्दियों में आए थे तो ये। और ये भी आप देख सकते हैं, आम रूटीन, आम रूटीन में आप देख सकते हैं कितना रश है। और अभी ये इससे बाहर और भी रश है, और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से। और वो पापा जी, ये मेरे ख्याल से अब जैसे कि मैंने बताया, फेरे ले रहे हैं, फेरे ले रहे हैं। और ये जी मम्मा नहीं आ रहे, हम चक्कर लगा रहे हैं, हाँ ये भी अब चक्कर लगा रहे हैं। वो मोमना बैठी है, और वो सारे, मम्मा और पापा फेरे वगैरह लगा रहे हैं। ये देखें लोग लगा दिए हैं, ये खुल चुके, माशाल्लाह से माशाल्लाह। सर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये सारे अब वो खड़े हैं, दे रहे हैं। लॉक कर रहे हैं। तो गाइस वो उन्होंने लॉक कर दिया वक्फा ब्रह नमाज, हाँ, और पापा जी वो उन्होंने कर दिया वक्फा ब्रह नमाज, और ये मम्मा भी फेरे लगा रही हैं। ये देख सकते हैं वक्फा ब्रह नमाज, ठीक है। और आपको दिखाते, ये जो है ना, ये यहाँ पे जो है ना, बड़े बड़े कैबिनेट्स पड़े होते हैं, जैसे कल वो पड़ा हुआ है वहाँ पे, ये सारे कैबिनेट्स पड़े होते हैं यहाँ पे, ऐसे बड़े बड़े ऊपर, ये इनको खुमरे कहते हैं। ये इनका कलाम पढ़ते रहती है, हक हु अल्लाह हु करती रहती है ये खुमरे। और यहाँ पे जो है कुरान मजीद वगैरह रखे होते हैं, ये साइड पर, ये पूरी वॉल पर यहाँ पर। और आपको मैं दिखाऊं, ये देखें, ये एक आपको और इस दरबार की ख़ासियत बताएं, ये है जी सूखा हुआ दरख्त है, एक आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसकी ख़ासियत ये है कि यहाँ पे ये देखें आपको लोग अपने जो है ना चादर फिला रही हैं, ये देखें वो पड़ी हैं चादरें, वो पड़ी हैं आगे, ये पड़ी हैं, वो पड़ी है। और ये आपके सामने लेडीज ने किधर डाली, ने किधर डाली, और यहाँ पे डाल दी। ये क्यों डाल रहे हैं, ये चादरें डालने की ख़ास वजह ये है कि जी यहाँ जो है लोग अपनी मन्नत के लिए जो है चादर डाल देते हैं। अगर आपकी कोई मन्नत हो तो आप उसकी नियत से आप एक चादर डालेंगे, जैसे कि मफरल हो गया, बड़ी चादर होगी लेडीज, जेंट्स ले बड़ी चादर होगी, वो डालें आप, ठीक है। अगर तो ऊपर वो सूखा दरख्त है, वहाँ पर बेर लगे होते हैं खट्टे मीठे, वो अगर ऊपर से नीचे गिर जाएं तो समझें कि आपकी जो मुराद है। यहाँ पे ज़्यादातर तो लोग कहते हैं अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं, अगर आपकी औलाद आपको नहीं हो रही, बड़ी देर हो गई, कहीं किसी का बेटे, ख़ास तौर पर यहाँ पर बेटे के लिए आते हैं लोग, कि हम यहाँ पर मन्नत मांगे और हमारा जो बेर का पत्ता गिरे तो उनकी मन्नत पूरी होती है। और I don't know how to see you।
कि आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं। अच्छा। और जो जो भी फ्रेंड देख रहा है, जो जो भी आप सबकी दुआएं, अल्लाह पाक सब मैंने बेर की पुकार से उनके सामने वीडियो बना रहा था रैंडमली, ये दौर से हमें भी डाला है अपने क्यों डालते हैं बता? ये जिनकी मन्नत होती है तो उनकी अगर किस किस्म की मन्नत पूरी होती है, खासकर औलाद जो है ना, जिनकी 20-30 साल हो रहे हैं, औलाद ना हो रही हो ना, तो वो यहाँ पर कपड़ा डालें और अल्लाह पाक बेटा ही अदा करता, बेटा ही अदा करता है, क्योंकि हमने जो है ना, हमारे पूरे खानदान है, हमारे मुर्शिद है ना, मैं आपसे कजनों की काफ़ी मन्नत मांग के गया हूँ कि उनके घर और उनके घर में फिर उनके साथ उतारने के लिए भी आए। हाँ जी, फिर हमने आज उतारे भी है, आज फिर हम एक मन्नत मांगने के लिए आए, दुआ करें जल्दी से पूरी हो। आमीन। और ये चलें ऐदा दासी हो गया जिदा उंगड़ा चोरे ता किर जांदा साडा प्यार गाय दिया के दा अल्लाह अकबर हम इनसे इजाज़त लेते हैं, रुख्सत लेते हैं, गली में करते हैं, जाने अनजाने में हमसे कोई आपके दरबार पे हैं, आपके दर पे आके हमसे कोई जाने अनजाने में कोई गलती हुई, हमें माफ़ करना, हमारे तमाम दुआओं को कबूल करना और हमारा आना कबूल व मंजूर करना, और कोई भी हमसे जाने अनजाने में कोई गलती माफ़ करना, और जो जो हमारी दुआएं सब कबूल कर, जो देखने वाले इन सब जो नेक तमन्ना, नेक जो इनकी दुआएं वो सब कबूल मंजूर फरमा, इसी बात का हम इजाज़त लेते हैं यहाँ से। सो चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह। सो गाइस, ये मोमना मम्मा पप्पा पापा और ये माशा दरबार शरीफ, और ये दरबार ये देख सकते हैं आप, ये जो ये जगह है, ये सारी जूतियों की पार्किंग है ये सारी, ठीक है। और ये जो है यहाँ है, और ये दरबार शरीफ, और ये भी वो स्लाइड वो पर्दे लगते हैं, छत बन जाती है। बहुत बड़े होशियार हो, होशियार, बहुत ज्यादा होशियार। क्या किया मैंने? मुझे लगा मेरा व्लॉग बना रहे, मुझे नहीं पता था इतना इंटरेस्ट लेके वो अपना व्लॉग बना। अच्छा, ये गाइस, ये जो है सारे यहाँ पर जो है ना भरत है, ये देखे। और यहाँ सबसे मैं फनी बात नहीं कहूँगा, मदद यहाँ पे 100 से 150 तकरीबन यहाँ पे वॉशरूम है, तो आप इस बात से जो है ना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह इनके दर के ऊपर माशाल्लाह कितनी ज़्यादा हाजिरी होती है। अगले महीने इनका उस शुरू वगैरह मिला है, अगले महीने इनका। और ये देख, ये सारा ये बाज़ार है, वो भी वजू खाना सामने, ये सारा बाज़ार है गाइस यहाँ पे सारा। वहाँ पे जो है गाड़ियों की पार्किंग है, ये देखिए वहीं से वो गाड़ी बैक हो जाएगी, और वहाँ पे वो जो है सारा बाजार है, यहाँ तक यहाँ शुरू होता है, यहाँ वहाँ तक बाजार है, ये अभी मेन तक बाजार है, अभी आपको दिखाते हैं कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है। चले, जैसा मौसम है जैसी हवा चल रही है, आपको क्या लगता है मामा जी, बारिश होगी? मुझे पहले तो मैंने जो है ना, जब बादल हम आए ना शाम को, मुझे लग रहा था बड़ी जोरों की बारिश होगी, हम नहीं जा पाएंगे, देखो तो माशाल्लाह से जो ना मौसम, अब लग रहा है बारिश होगी वापसी पे? नहीं नहीं, मैं मौसमी आते मेरे ख्याल से आज बारिश नहीं होती। आए हम शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, इन्होंने करनी है शॉपिंग। पापा की जबान चेंज हो गई, क्या 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 ये मौसम लड़ीदार चाहिए, मैं वेला पे
गूगल पे देख के बता। तो चलो अब चलते हैं शॉपिंग की तरफ, बाजार की तरफ। हमें यहाँ से जंगला लगा, वहीं से जाना। अबे इन्होंने देख बनने के लिए दी, ऊपर से रही है। पापा के साथ जाके पता करके आओ देख का। मैं तो सोने जा रहा हूँ। अब हम निकलने लगे। दवा दवा है। लो मैंने कहा था कि मैं वहाँ पे जाके आपको छोड़ के आप लोग दरबार के अंदर हाजिर देना, मैं सो जाऊँगा। फिर मैं इधर आया, फिर मैंने कहा कि नहीं अब आए तुम्हें हैं तो जो है हाजिरी भी देनी चाहिए अंदर। मैं भी अंदर आ गया तो मैं अपनी जो है नींद पूरी नहीं कर सका। रात को सोए हैं तकरीबन, मैं सोया हूँ, घर वाले तो सारे मेरे ख्याल से 3 बजे सो गए। मोबाइल वगैरह यूज़ करते करते मुझे 4-5 बज चुके थे, तो मैंने और इन्होंने मुझे उठा भी सुबह कितने बजे दिया, तकरीबन 9:15-9:30 बजे तक। 10 बजे हम निकल आए थे, 11-12 बजे जो है हम मोटरवे पे थे, 12-1 बजे तो 2:15 या 2:45 के करीब हम फैसलाबाद के पास थे। फैसलाबाद से हम आगे काफ़ी टाइम लगा, खाना वगैरह खाते काफ़ी टाइम। वो आप जो है वीडियो मोमना के चैनल पे देख सकते हो जाके। ये मेरे यहाँ पर जो है ना वो भाई है, हमने उनसे लड़ लड़के जो है ना ये शॉल मैंने ली। ये भाई की दुकान की हम ये चादर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, ये हाँ। भाई की दुकान है और ये ब्रांड चीज है, ये लेकर जा रहे हैं इंशाल्लाह। दुआएं भी ब्रांड का टैग है, ये ऐसी चीज है ना, ये बड़े नसीब। ये ब्रांड कौन सा, ये तो बताओ। ये सिक्वेंसी का ब्रांड है। कहाँ टैग दिखाओ, टैग वाली बात है। हम टैग देखते हैं, मैंने अभी बात हो ना, ये पैकिंग में आती है टैग, मैंने अभी टैग जो है मैंने ऑनलाइन सर्च कर लेना, लेकिन प्लाजा मुल्तान जाना पड़ेगा। अभी मैंने टैग को ऑनलाइन सर्च कर लेना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। कह रहे जिन्होंने भी यहाँ पर आना और जो मुल्तान जाएगा, ये मेरे ये अपना खुद तैयार करवा रहे हैं। तो वहाँ पर इनकी शॉप पे जाइए, शॉप दिखा देंगे। सुल्तानी है शॉल हाउस। हाँ जी, आप सबने आना है लोहरी ब्लॉगर के नाम से। आप जो भी आपके पास आएगा आप डिस्काउंट कर लें हमारे चैनल पे, जो भी कहेगा 20% डिस्काउंट देंगे। और सानू कितना देता है, 20% सानू कितना देता है, सानू कितना दोगे फिर आपके लिए तो सारे डिस्काउंट है। जब आप हैं या मालिक हैं आप तो हर चीज के। नहीं नहीं, आपने आना है लोहरी ब्लॉगर का नाम लेना है भाई, आपको डिस्काउंट। मेरा गंजे तो ना ले लेना, ये पैक कर दो बस। एंड नाउ गाइस, हम मुझे जो है ना 9 बजे से तकरीबन जो है ना मैं लगातार जो है ना गाड़ी चला रहा हूँ। पापा भी साइड हो गए। 9 बजे से जो है ना लगातार गाड़ी चला रहा हूँ। तो यहाँ पे इस टाइम रेस्ट एरिया में है फैसलाबाद के करीब, तो हमने कहा ज़रा यहाँ से रेस्ट वगैरह कर लें, इधर चाय वगैरह पी लें। बहुत सारे आ रहे हैं, मम्मा ने भी सारे वाशरूम वगैरह गए थे। अभी ज़रा रेसे लगाते आ रहे थे हम, GLI वगैरह के साथ रेसे लग गई थी हमारी, तो हमने कहा ज़रा वहाँ से ज़रा विन करके साइड पे हमें कि चाय वगैरह पी लें और जो ना ख़ुद भी रेस्ट कर लें। तो अभी यहाँ पे हम रुके हैं, वहाँ चाय का ऑर्डर दिया, चप्पो भी आ गई गाड़ी में बैठ गई। वहाँ से सारे आ रहे, मम्मा और मम्मा पापा भी वाशरूम चले गए। चले अभी ये थी रूटीन, चलते अभी घर की तरफ, घर जाके आपसे मिलते हैं। और गाड़ी का हालत आप देख सकते हैं, ये देख, हमने GLI से मुकाबला कर करके उनको हरा दिया और एंड खुद भी थक गए और अब हमने स्टे किए चाय पीने के लिए। ये तो सोती आई है, अच्छा बताओ हम क्या कर रहे थे, क्या करते हैं? मेरी गाड़ी कितनी देर बंद की, घंटे 3.5 घंटे नहीं, अच्छा ये बताओ मेरी गाड़ी कितनी स्पीड थी, स्पीड कितनी पे जा रहे थे? किसने कहा? GLI से 100 पे रेस लगती, GLI से 100 120 होगी।
सो गाइस अभी जो है ना शवारमा टिक्के वगैरह खाए हैं और ये ऐसे खाए हैं। मोमना जो है चिकन नहीं खाती, मोमना ये काम चेक कर देखे कैसे उसे खाए। मोमना का पापा चीज़ें देखते रहते, ये मैं बाहर से 50 के मिलते, यहाँ से 110 रुपये देते। ये वाला 110 रुपये का।